नारायण नारायण, ये मैं आज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज एक कहानी नारद की जो आप सुनने वाले हैं, ये कहानी है नारद मुनि के बंदर बनने की और विष्णु भगवान के राम अवतार लेने की। बड़े बड़े ऋषियों को भी स्त्री प्रेम में फंसकर अपनी तपस्या का अंत करते देखा गया है। ऐसा ही कुछ एक बार नारद मुनि के साथ हुआ था। नारद मुनि खुद को ब्रह्मचारी बोलते थे। सभी जानते थे कि नारद जी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि नारद भी अपने काम वासना पर हैरान थे। दरअसल नारद को इस बात का घमंड था कि उन्होंने काम वासना पर एक तरह से काबू कर लिया है, लेकिन इनका ये घमंड ही तोड़ दिया गया। तो आज हम आपको नारद स्त्री और काम वासना की यही कहानी बताने वाले हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बोला कि अब वो वक्त आ चुका है जब आपको विवाह कर लेना चाहिए। अन्य जरूरतों की तरह ही विवाह भी इंसान की एक बड़ी जरूरत है। लेकिन नारद जी ने बोला कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ और सदा बिना विवाह किए ही रहूँगा। तब ब्रह्मा जी को क्रोध आया और उन्होंने नारद को श्राप दिया कि जाओ, तुम्हारा सारा ज्ञान खत्म हो जाए और तुम गंधर्व योनि को प्राप्त करो। तू व्यभिचारी बन जा, तू हमेशा असंख्य स्त्रियों से घिरा रहेगा और तुझे न थमने वाला यौवन प्राप्त होगा, जिससे तू सभी गंधर्वों में श्रेष्ठ गंधर्व हो बनेगा। फिर सालों तक वन में अपनी कई पत्नियों के साथ विहार करने के बाद अगले जन्म में तू दासी का पुत्र बनके जन्म लेगा। इसके बाद फिर से एक बार नारद को लगने लगा था कि वो ब्रह्मचारी हैं और काम वासना से मुक्त हो चुके हैं। ये जान विष्णु जी को काफी अजीब लगा और उन्होंने नारद की एक परीक्षा लेने की सोची। विष्णु जी ने अपनी माया से सब कुछ झूठ का निर्माण किया। एक पूरा ही साम्राज्य विष्णु जी ने खड़ा किया और देवी लक्ष्मी को यहाँ की राजकुमारी बनाया। ऐलान किया गया था कि इस राज्य के राजा की बेटी हैं और उसके विवाह के लिए स्वयंवर का निर्माण किया जाएगा। जब नारद मुनि ने इस राजकुमारी को देखा तो वो अपनी काम वासना से पागल हो गए थे। नारद जी ने अपने सारे व्रत और ब्रह्मचारी का प्रण भी भूल गए। अब नारद जी बस किसी भी हालत में इस राजकुमारी को पाना चाहते थे। नारद जी विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से बोला कि वो इनको एक सुंदर सा चेहरा दें, और इन्होंने बोला कि हरि जैसा कोई चेहरा दें। वो विवाह करने जा रहे हैं। जब नारद स्वयंवर में गए तो महारानी ने नारद को देखा और उनको देखते ही अपनी नजरें हटा ली और माला एक गरीब इंसान के गले में डाल दिया। ये गरीब इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद विष्णु थे। अब नारद जी पूरी तरह से टूट गए थे क्योंकि पहली बार किसी से उन्हें प्रेम हुआ था और उसका अंजाम भी ये हुआ। नारद यही सोचते विचारते जा रहे थे कि तभी एक नदी में उन्होंने अपना चेहरा देखा। नारद हैरान रह जाते हैं कि विष्णु ने उनको वानर का रूप दिया है। असल में हरि का एक अर्थ वानर भी होता है। इस बात से नाराज नारद ने विष्णु को श्राप दिया कि आप भी मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जब भी जाओगे और यहाँ पर स्त्री के लिए ऐसी ही बेचैन रहोगे जैसे कि आज मैं स्त्री के लिए तड़प रहा हूँ। तो बोला जाता है कि भगवान राम और सीता के बीच जो वियोग हुआ था वो इसी श्राप की वजह से हुआ था। तो इस तरह से नारद मुनि को ये पता चल गया था कि कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचारी होने पर घमंड ना करे। किसी भी व्यक्ति की कभी भी भगवान परीक्षा ले सकते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।